जरा सोचकर देखिए कि केवल आपके रंग की वजह से आपको आपके बेसिक नीड्स के लिए मोहताज होना पड़े, आपको रहने के लिए एक अलग जगह मिले और वहां पर न केवल आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई के बिना सरवाइव करना पड़े बल्कि आपको नाले और सेवेज की बदबू में रहने पर मजबूर होना पड़े। वहीं दूसरी तरफ आपसे महज 100 मीटर दूरी पर रहने वाले लोगों को आलिशान घरों के साथ बैकयार्ड गार्डन्स और हाई क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए। और इस भेदभाव का रीजन फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं बल्कि काले गोरे का भेदभाव हो, कैसे लगेगा आपको? लेकिन ये आज भी हो रहा है और न केवल साउथ अफ्रीका की कैपिटल केपटाउन में बल्कि पूरा साउथ अफ्रीका आज भी रंग भेद के चलते बंटा हुआ है। लेकिन क्यों, आखिर क्या दक्षिण अफ्रीका अभी भी दो हिस्सों में विभाजित है और ब्लैक और व्हाइट के भेदभाव के चलते यहां आज भी ब्लैक लोगों को इतनी हीन भावना के साथ देखा जाता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साउथ अफ्रीका की कैपिटल केपटाउन सिटी, जिसे कलर डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर डिजाइन किया गया है, यहाँ 100 मीटर की एक लंबी दूरी में एक तरह है काले और दूसरी तरफ गोरे लोग रहते हैं। काले लोगों को एक कंजेस्टेड और स्लम एरिया में रखा जाता है, वही गोरे लोगों को अमीरों वाली फैसिलिटीज मिलती है। और यहाँ का कानून इतना कट्टर है कि अगर कल लोग चाहे भी तो गोरे लोगों के एरिया में अपना घर नहीं बना सकते। तो जिस साउथ अफ्रीका की पहचान ही काले लोग और काला रंग है, आखिर क्यों उन्हें अपने ही देश में ये भेदभाव झेलते हुए रिफ्यूजीज और गुलामों के तरह रहना पड़ रहा है? तो दोस्तों, इन सब की शुरुआत हुई 1750 से, जब पहली बार साउथ अफ्रीका पर ब्रिटिशर्स की नजर पड़ी। फिरंगियों ने इस जगह को केप कॉलोनी नाम दिया। ये बहुत और था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने जोरों पर था और ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्री के लिए सस्ती लेबर ढूंढने में लगे थे, और इसी के चलते उन्होंने साउथ अफ्रीका के काले लोगों को अपना गुलाम बनाना शुरू किया। लेकिन हालात तब बिगड़े जब 1869 में किम्बरले में ब्रिटिशर्स के हाथों डायमंड और 1885 में जॉन्सबर्ग में गोल्ड माइंस लगी और अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका को पूरी तरीके से अपने कब्जे में करना शुरू किया ताकि ये फिरंगी इस खजाने को लूटकर इंग्लैंड ले जा सके, जैसा इन्होंने इंडिया के साथ भी किया। लेकिन अब मुसीबत ये थी कि इन माइंस की खुदाई कैसे हो, और अपने शैतानी दिमाग के चलते ब्रिटिशर्स ने ब्लैक लोगों को गुलाम बनाया और चीप लेबर में उनसे खुदाई का काम करना शुरू किया। इन्हीं के लेबर्स की मदद से पूरे साउथ अफ्रीका में ट्रैक्स बनाए गए ताकि गोल्ड और डायमंड का ये खजाना आसानी से केपटाउन पोर्ट पर लाया जा सके। और यही थी शुरुआत साउथ अफ्रीका में केपटाउन के बसने और काले लोगों की जिंदगी उजड़ने की। आज के साथ समय में साउथ अफ्रीका में हालात ऐसे है कि ब्लैक स्किन वाले लोग व्हाइट एरियाज में जो के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ घर बनाने की परमिशन नहीं है। उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता है और ये वहाँ का कानून है, जिसकी शुरुआत हुई 1913 में जब साउथ अफ्रीका में लैंड एक्ट ऑफ 1930 पास किया गया, जिसके तहत रूल बना कि साउथ अफ्रीका के मूल निवासी 80% काले लोगों को केवल साउथ अफ्रीका का 1% रूरल एरिया का लैंड रहने को मिला, जहाँ ना एग्रीकल्चर था ना बाकी कोई फैसिलिटीज। बाकी अर्बन एरियाज में उन्हें जमीन खरीदने की परमिशन नहीं दी गई। ऐसे में इन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हुई, जिसे सॉल्व करने के लिए इन्हें व्हाइट लोगों के सिटी के बाहर की लोकेशन पर टाउनशिप मिले, लेकिन शर्त ये थी कि इन्हें व्हाइट लोगों की जी हुजूरी बजानी होगी। इसके बाद एक और लॉ 1950 में पास हुआ जो ग्रुप एरियाज एक्ट था। इसमें साउथ अफ्रीका को जाति के आधार पर बांट दिया गया, जिसमें व्हाइट, ब्लैक और मिक्स्ड स्किन वाले लोग थे, और देश को भी इन्हीं जातिवाद के आधार पर बांटा गया, जिसमें देश के केवल 17% गोरों को शहर के अंदर हाई फैसिलिटी इकोनॉमिक जोन का 86% लैंड प्रोवाइड कराया गया। वहीं 80% ब्लैक स्किन वाले लोगों के हिस्से में मिलिट्री फेस के पास और सिटी के बाहर का एरिया आया, जहां हाई फैसिलिटीज तो दूर की बात, बेसिक नीड्स की भी कमी थी। इन एरियाज को डिवाइड करने के लिए इनके बीच 100 से 250 मीटर चौड़ी खाली जगह छोड़ी गई, और ये हाल पूरे साउथ अफ्रीका का था। रंग भेद के इस बंटवारे में साउथ अफ्रीका के तीनों बड़े शहर केपटाउन, जॉन्सबर्ग और नामीबिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हालात ऐसे थे कि लोगों के रंग से उनके रहने की जगह का अंदाजा लगाया जा सकता था। केपटाउन के डिस्ट्रिक्ट 6 में कानूनी तौर पर काले लोगों का घर बना हुआ था, लेकिन साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और 1966 में करीब 65,000 लोगों को ये कहकर बेघर कर दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट 6 का एरिया गोरे लोगों का है। 1934 में ब्रिटिशर्स का रूल खत्म होने के बाद साउथ अफ्रीका की सत्ता डच लोगों के
के हाथ में आई और काले लोगों का जीना और मुहाल हो गया। यूरोपियन व्हाइट लोगों की तानाशाही के चलते 148 लॉ बना, इन्हें कानून बनाकर गरीब रखा गया, सिटी एरियाज में जॉब करने के लिए रोका गया और इनके रहने खाने और कहीं आने जाने के ऊपर भी सरकार ने पाबंदियां लगा दी। एक तरीके से इन यूरोपीय लोगों ने साउथ अफ्रीका के लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। 1974 से लेकर आज तक ये हालत सुधरे नहीं है। तब से लेकर आज तक साउथ अफ्रीका में बड़े पदों पर गोरे लोगों को रखा जाता था, जबकि प्यून, सर्वेंट, माली, नौकर जैसी छोटी पोस्ट काले लोगों को मिलती थी। आज भी साउथ अफ्रीका के 70% हिस्से पर केवल 9% गोरे लोगों ने अपना कब्जा किया हुआ है। यहाँ काले स्किन वाले लोगों को अच्छी एजुकेशन भी नहीं दी जाती। काले लोग गोरों से शादी नहीं कर सकते, गोरों के एरिया में नहीं जा सकते, यहाँ तक कि आप वोट तक देने के लायक नहीं माने जाते, आपको आपके देश की सिटीजनशिप ही नहीं दी जाती। और ये हालत साउथ अफ्रीका में अब तक नहीं बदले। यहाँ पर गोरे लोग आज भी हाई क्लास फैसिलिटीज और अमेरिका जीवन जीते हैं, जबकि काले लोग गरीबी से बेहाल हैं। शहरों में गोरे लोग ही सफल और अमीर हैं और ये लोग काले लोगों से करीब 10 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं। करीब 40% काले लोग आज भी बेरोजगार हैं, जबकि केवल 7% गोरे लोग ही अनएम्प्लॉयमेंट की मार झेल रहे हैं। काले लोगों की इस बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है कि उन्हें शहरों में उनकी जॉब लोकेशन के पास रहने की परमिशन नहीं और उन्हें जॉब करने के लिए रोजाना 3 से 4 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है, जो सच में एक डिफिकल्ट टास्क है, जिसकी वजह से ये लोग ना अपनी लाइफस्टाइल सुधार पा रहे हैं और ना ही अपनी बेरोजगारी खत्म कर पा रहे हैं। 1994 में साउथ अफ्रीका के हालात बदलने को हुए, जब नेल्सन मंडेला ने देश की आजादी और काले गोरे के भेदभाव को खत्म करने की जंग लड़ी, जिसके चलते काले लोगों के साथ किए जा रहे अटपटे नियम तो बंद हुए, लेकिन नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल की हवा खानी पड़ी। गांधी जी भी साउथ अफ्रीका गए और 45 साल की उम्र में वहां से लौटे। लगभग 10 सालों तक गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में काले गोरे के भेदभाव को खत्म करने के लिए अपनी आवाज बुलंद रखी, लेकिन वहाँ के हालातों में वो सुधार नहीं मिला जो होना चाहिए था। भेदभाव का आंकड़ा देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में काले गोरे के बीच में सबसे ज्यादा भेदभाव किया जाता है। आज भी केपटाउन जैसी कई सिटीज में काले स्किन वालों को अपनी शर्तों पर जीने नहीं दिया जाता। यहाँ काले गोरे लोगों के साथ काले गोरे एरिया भी आपको साफ साफ दिखाई देंगे, जहाँ अमीरी और गरीबी का एक अलग ही पैमाना मिलेगा। काले लोगों को गाँव और पिछड़े जमीन मिल रही हैं, जबकि शहरों पर गोरे लोगों ने कब्जा किया हुआ है। आज भी 1999 में बने ओरानिया नाम के साउथ अफ्रीका के एक टाउन में केवल गोरे लोगों को रहने की परमिशन दी गई है। यहाँ की सरकार, इकोनॉमी, करेंसी और रूल्स सब गोरों के हिसाब से चलते हैं। यहाँ केवल यूरोपियंस, डच और फ्रेंच लोगों की नई पीढ़ियों को रहने की इजाजत है। यहाँ रहना, प्रॉपर्टी खरीदना और जॉब करना तो दूर की बात है। ब्लैक लोगों को यहाँ पर कदम रखने की भी परमिशन नहीं है। 2007 में जब ब्लैक स्किन वाले बच्चों का स्कूल ट्रिप यहाँ पर विजिट करने के लिए गया था तो उन्हें यहाँ पर घुसने तक नहीं दिया गया। और केपटाउन के इस भेदभाव का असली कारण है यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने इस रंगभेद को खत्म तो किया, लेकिन केपटाउन में डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी के गोरों की मनमानी के चलते ये आज भी दुनिया के सबसे भेदभाव वाली जगह मानी जाती है और इसी वजह से साउथ अफ्रीका को आज भी दुनिया में विभाजित माना जाता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।